जगजीज के ल्यूनिटिस को हराने के बाद वो अपने आप को गॉड मानते हुए किंगडम्स को तबाह करते लोगों में अपना खौफ फैलाने का काम कंटिन्यूड रखता है। सीन्स स्पार्टा की क्वीन गॉर्गो पे शिफ्ट होते हैं, जो अपने सोल्जर्स को 10 साल पहले की बैटल ऑफ मैराथन के बारे में बताना शुरू करती है, जिसकी वजह से पर्शियंस और ग्रीक के बीच में क्लैश हुआ था। ग्रीक से हारने के बाद किंग डेरियस अपने बचे हुए लोगों के साथ शिप पे वापस जा रहा था, तभी एथेंस के जनरल थेमिस्टोक्लीस ने एरो पकड़ा और किंग डेरियस को ना सिर्फ अपना निशाना बनाया बल्कि इतनी दूर से सही निशाना लगाते हुए उसे सीधा चेस्ट में एरो मार भी दिया। जगजीज दरअसल डेरियस का ही बेटा है, जिसने अपने फादर की डेथ को आंखों से देखा। मरते वक्त डेरियस के पास उसका बेटा जगजीज और डेरियस की नेवल कमांडर आर्टिमीजिया थे। डेरियस उन्हें कहता है कि वो ग्रीक से बच के रहे, क्योंकि सिर्फ गॉड ही है जो उन्हें डिफीट कर सकता है। डेरियस के मरने के बाद आर्टिमीजिया ने जगजीज को ये कहते हुए मोटिवेट किया कि डेरियस के लास्ट वर्ड्स वार्निंग नहीं बल्कि एक चैलेंज है, और कुछ भी हो जाए जगजीज को ग्रीक्स को डिफीट करना ही होगा। जिसके लिए आर्टिमीजिया ने जगजीज को डेजर्ट में एक जर्नी पे भेज दिया। जर्नी खत्म होने पर जगजीज एक केव में पहुंचा, जहां स्पिरिचुअल वर्ल्ड के पानी में बात लेके जगजीज एक 8 फीट लंबा गॉड किंग में बदल गया, और वापस आते ही उसने ग्रीस के साथ जंग का ऐलान करके अपने फादर का बदला लेने का डिसाइड किया। जगजीज ने अपने सोल्जर्स के हाथों सब ग्रीक्स को मैसेज भेजना शुरू कर दिया कि या तो वो जगजीज के सामने हथियार डाल दें या जगजीज के साथ जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये मैसेज मिलते ही थेमिस्टोक्लीस काउंसिल से मिलता है और उन्हें कन्विंस करता है कि सब ग्रीक्स किंगडम उसे ज्वाइन करें और अपनी सब शिप्स दे दें ताकि वो सी में पर्शियन से फाइट करे। ऐसा करने से वो अपने किंगडम्स को जितना हो सके तबाह होने से बचा सकते हैं, साथ ही इस बार 10 साल पहले शुरू की हुई जंग को भी खत्म किया जा सकेगा। काउंसिल को कन्विंस करके थेमिस्टोक्लीस स्पार्टा को बाकी ग्रीक्स को ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करने जाता है। स्पार्टा पहुंचने पर डिलियोस उसे बताता है कि किंग ल्यूनिडेस ओरेकल से मिलने गया है। क्वीन गॉर्गो थेमिस्टोक्लीस से हाथ मिलाने से इनकार करते हुए उसे मायूस करके वापस लौटने को कह देती है, क्योंकि वो एथेंस के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। उसे लगता है कि स्पार्टा एक फ्री सिटी है और इस सिटी के ट्रू वॉरियर्स को और किसी की मदद की जरूरत नहीं है। थेमिस्टोक्लीस का दोस्त साइलियस आर्टिमीजिया के शिप पे जाके उसके बारे में सारी खबरें निकालता है, जिसके बाद उसके सामने ही उसके सोल्जर्स को हराकर सी में छलांग लगाते हुए वहां से भाग निकलता है। साइलियस अपने बेटे कैलिस्टो के साथ थेमिस्टोक्लीस से आके मिलता है। साइलियस थेमिस्टोक्लीस को बताता है कि आर्टिमीजिया एक ग्रीक औरत है, मगर उसका हार्ट पर्शियंस के साथ है। आर्टिमीजिया की फैमिली को ग्रीक सोल्जर्स ने बहुत बेदर्दी से रेप और मर्डर किया, जिसके बाद आर्टिमीजिया को बहुत टाइम तक अपना सेक्स स्लेव बनाए रखा। फिर एक दिन उसे स्ट्रीट में अधमरी हालत में फेंक दिया, जहां से उसे पर्शियंस ने उठा लिया। उसने आर्टिमीजिया को न सिर्फ घर, खाना और अच्छे कपड़े दिए बल्कि ट्रेनिंग देते हुए एक बहुत अच्छी सोल्जर भी बना दिया, जिसके बाद अपने बदले की आग को बुझाने के लिए आर्टिमीजिया ने बहुत से लोगों को मारा। ऐसा करके वो किंग डेरियस की नजरों में आ गई और उनके बहुत से दुश्मनों को मार के वो किंग की फेवरेट बनते हुए उनकी नेवल कमांडर बन गई। साइलियस थेमिस्टोक्लीस को ये बताता है कि ल्यूनिडेस अपने बेस्ट 300 सोल्जर्स के साथ पर्शियन से फाइट करने के लिए हॉट गेट्स की तरफ निकल गया है। थेमिस्टोक्लीस को दुख होता है कि अगर ल्यूनिडेस और स्पार्टन आर्मी उन्हें ज्वाइन कर लेती तो कोई भी ग्रीक्स को हरा नहीं सकता था, गॉड किंग भी नहीं। थेमिस्टोक्लीस जंग की तैयारियां शुरू कर देता है, जहां वो साइलियस के बेटे कैलिस्टो से मिलता है। कैलिस्टो अपने फादर के मना करने के बाद भी इस जंग का हिस्सा बनने के लिए आ जाता है, क्योंकि वो इस जंग के लिए और अपने राज को बचाने के लिए बहुत पैशनेट है, आखिर है तो उसमें भी ग्रीक ब्लड ही। थेमिस्टोक्लीस उसका ये एटीट्यूड देखते हुए उसे वॉर में साथ रखने को तैयार हो जाता है। फाइट स्टार्ट हो जाती है। आर्टिमीजिया अपने कुछ सोल्जर्स को ग्रीक्स पे अटैक करने भेजती है, क्योंकि उसे लगता है कि ग्रीक्स उसकी इतनी बड़ी बड़ी शिप्स के आगे खड़े नहीं रह पाएंगे। थेमिस्टोक्लीस अपने सोल्जर्स को रेडी करता है। वो उन्हें बताता है कि पर्शियन शिप्स मिडिल से वीक हैं और वो लोग वहीं उन पे अटैक करेंगे। पर्शियन शिप्स के आने पे फाइट शुरू हो जाती है। वॉर है तो खून खराबा भी होता है। दोनों तरफ से अटैक स्टार्ट हो जाते हैं। ग्रीक्स स्पेयर से और पर्शियन एरोस से अटैक करते हैं। तभी थेमिस्टोक्लीस के ऑर्डर पे ग्रीक्स अपनी 2 शिप्स से पर्शियन की शिप के मिडिल पे अटैक करते हैं, जिससे उनकी शिप्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। थेमिस्टोक्लीस का आइडिया काम करता है और ये लोग आज के दिन के लिए कामयाब हो जाते हैं। आर्टिमीजिया गुस्से में आज के लिए पीछे होते हुए कल
बड़ी आर्मी के साथ आने का डिसाइड करती है। जीत के वापस आने पर थेमोस्टोक्लीस का कमांडर उससे पूछता है कि आखिर कब तक वो ये सब करते हुए पर्शियंस को रोक सकता है, आखिर एक दिन तो वो जीत ही जाएंगे। जिसके जवाब में थेमोस्टोक्लीस कहता है, अगर मेरा प्लान काम किया तो तब तक हम ये करेंगे जब तक कि स्पार्टा आर्मी मान के ग्रीक्स को ज्वाइन नहीं कर लेती है। यहाँ आर्टिमीजिया हार बर्दाश्त नहीं कर पाती है और जिस कमांडर की आर्मी फाइट के लिए गई होती है उसे पानी में फेंक के मार देती है। नेक्स्ट डे आर्टिमीजिया एक बड़ी आर्मी ग्रीक्स को खत्म करने भेजती है। इस बार ग्रीक्स एक न्यू प्लान के साथ आते हैं। पर्शियन शिप्स के पास आने पर वो आगे बढ़ के उन पे अटैक करने के बजाय पीछे होना शुरू हो जाते हैं। तभी फॉग की वजह से पर्शियंस को ग्रीक्स की शिप नजर आना बंद हो जाती है। उन्हें ढूंढने आगे बढ़ने पर पर्शियंस की शिप स्टोन से जाके लगते हुए डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस बात का फायदा उठा के ग्रीक्स चारों तरफ से पर्शियंस पे अटैक करते हैं। ग्रीक वॉरियर्स बहुत ही स्टाइल से फाइट करते हुए पर्शियंस को मारते जाते हैं। साइलियस और कैलिस्टो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आखिर में थेमिस्टोक्लीस आर्टिमीजिया के कमांडर को मार के इस बार भी जीत अपने नाम लिख लेता है। रात को आर्टिमीजिया का सोल्जर थेमिस्टोक्लीस के लिए मैसेज लेके आता है। आर्टिमीजिया ने किसी भी वेपन के बगैर थेमिस्टोक्लीस को मिलने बुलाया होता है। ये सुन के थेमिस्टोक्लीस एक बार उसकी बात सुनने के लिए जाने को तैयार हो जाता है, जिस पर वो अपनी स्वॉर्ड वहीं छोड़ के आर्टिमीजिया के सोल्जर्स के साथ उससे मिलने चला जाता है। आर्टिमीजिया थेमिस्टोक्लीस को सिड्यूस करते हुए हार मान के उसे ज्वाइन करने की ऑफर करती है। थेमिस्टोक्लीस आर्टिमीजिया के साथ मेकआउट शुरू कर देता है, जिससे एक मिनट के लिए तो यही लगता है कि थेमिस्टोक्लीस ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन जब आर्टिमीजिया खुश होना शुरू हो जाती है कि वो जीत गई, थेमिस्टोक्लीस इनकार कर देता है, जिस पर गुस्सा होकर आर्टिमीजिया थेमिस्टोक्लीस के गले पे स्वॉर्ड रख देती है। ऐसा लगता तो है कि वो उसे मार देगी, मगर वो अपने गार्ड्स को बुला के थेमिस्टोक्लीस को वापस भिजवा देती है। अपनी आर्मी के पास पहुंचने पर थेमिस्टोक्लीस उन्हें कहता है कि उन्हें रेडी रहने की जरूरत है, क्योंकि कल आर्टिमीजिया अपने सारे आर्मी के साथ उन्हें हराने आएगी, और ऐसा ही होता है। आर्टिमीजिया अपनी सारी डेंजरस से डेंजरस आर्मी के साथ ग्रीक्स पे अटैक करने पहुंच जाती है। अजीब से ड्रोन किस्म के इंसान शिप को चला रहे होते हैं, जिसके अंदर से अजीब सा लिक्विड निकल के पानी में गिरना शुरू हो जाता है। उस शिप्स को कुछ हो भी नहीं रहा होता, उल्टा ग्रीक्स की शिप डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। आर्टिमीजिया अपने पर्सनल गार्ड्स को स्विम करते ग्रीक्स की शिप की तरफ जाने को कहती है। ग्रीक्स उन पे अटैक भी करते हैं, मगर कोई असर नहीं होता। वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रीक्स की शिप्स के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। ग्रीक्स उन्हें मारना शुरू हो जाते हैं। ये देख आर्टिमीजिया बिल्कुल थेमिस्टोक्लीस की तरह एरो फेंकते हुए साइलियस को जख्मी कर देती है, और इस बार जगजीज की जगह कैलिस्टो अपने फादर को जख्मी होते देखता है। ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। यहाँ जो लिक्विड पानी में गिराया गया था, आर्टिमीजिया के सोल्जर उस पे आग के गोले फेंक के सी में आग लगाना शुरू हो जाते हैं, जिससे इन सबको पता चलता है कि वो गैसोलीन है। थेमिस्टोक्लीस आर्टिमीजिया के उस सोल्जर पे स्पेयर फेंक के उसे मरवा देता है, जिस पर आग आर्टिमीजिया की शिप पे ही लग जाती है। मगर मसला यहाँ खत्म नहीं होता है। आर्टिमीजिया के जो पर्सनल गार्ड्स ग्रीक्स की शिप पे आए थे, उनकी बैग पे जो बैग है उसमें भी गैसोलीन है, जिस पे फायर एरोस फेंकने पर ग्रीक्स की सब शिप्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। पानी में गिरने के बाद थेमिस्टोक्लीस को अपने सामने बड़े बड़े सी एनिमल्स लोगों को खाते नजर आते हैं, जो कि लगता तो ऐसे ही है कि थेमिस्टोक्लीस को भी खा गया है। मगर थेमिस्टोक्लीस के होश में आने पे पता चलता है कि उसे उसके कमांडर ने बचा लिया है। कैलिस्टो अपने फादर को भी बचा के ले आता है, उसे मेडिकेट तो करता है, मगर फिर भी साइलियस बच नहीं पाता, जिस पर थेमिस्टोक्लीस भी बहुत रोता है। थेमिस्टोक्लीस अपने बचे हुए सोल्जर्स के साथ आगे का प्लान सोचने लग जाता है। तभी उसका कमांडर उस पे गुस्सा होता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है, अगर वो सरेंडर कर देता तो आज सब जिंदा होते। जिस पर थेमिस्टोक्लीस उसे कहता है कि उसे भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा, मगर ग्रीक्स लड़ते हुए मरना पसंद कर सकते हैं, झुक के जीना नहीं। यहाँ आर्टिमीजिया थेमिस्टोक्लीस को हरा के सी में विक्ट्री लेती है। वहीं दूसरी तरफ जगजीज ल्यूनिडस को हरा के हॉट गेट्स में विक्ट्री ले लेता है। जगजीज ल्यूनिडस का सर उतार के अपने साथ ले जाता है और अपने लोगों को दिखा के अपने खौफ में इजाफा करता है। उसके लिए ये बहुत बड़ी जीत है। जगजीज ल्यूनिडस की स्वॉर्ड अपने आदमी के हाथ भेज के एथेंस को मैसेज देता है कि नेक्स्ट अब वो उनके लिए आ रहा है। या थेमिस्टोक्लीस को भी मैसेज मिल जाता है कि ल्यूनिडस और उसके बेस्ट 300 सोल्जर्स मारे गए हैं। ये दुख की बात होती है, मगर थेमिस्टोक्लीस इसे स्पार्टा की विक्ट्री मानता है और उसे लगता
कहता है कि ल्यूनिडिस के इस सेक्रीफाइस की मदद से वो सारे ग्रीक्स को यूनाइट कर सकता है, जिसके फौरन बाद वो अपने इस मिशन पे निकल जाता है। थेमिस्टोक्लीस काउंसिल में सबको फिर से अपनी साइड पे करने के बाद गॉर्गो से मिलने जाता है, जहाँ वो गॉर्गो को ल्यूनिडिस की स्वॉर्ड देता है, जिसके बाद वो उसे फिर से सब ग्रीक्स को ज्वाइन करने को कहता है ताकि वो सब मिलके पर्शियंस को डिफीट कर सके। मगर इस बार फिर गॉर्गो उसे कोई भी जवाब नहीं देती है। सीन जगजीस पे शिफ्ट होते हैं, जो अपनी जीत की खुशी मना रहा होता है। तभी उसका आदमी उसे थेमिस्टोक्लीस का मैसेज देता है कि वो अभी भी सरेंडर के लिए तैयार नहीं है। ये सुन के आर्टिमीजिया गुस्से में आकर उन पे अटैक करने जाती है। जगजीस उसे रोकता भी है, मगर आर्टिमीजिया को ये गुरूर होता है कि अगर आज जगजीस गॉड किंग है तो सिर्फ उसकी वजह से। इसलिए वो उसकी कोई भी बात सुने बगैर अपनी सारी आर्मी के साथ ग्रीक्स का किस्सा खत्म करने के लिए निकल जाती है। यहाँ थेमिस्टोक्लीस अपनी बची हुई आर्मी के साथ पर्शियंस के साथ फाइट करने को तैयार होता है, ये जानते हुए भी कि ये सब किसी सुसाइड से कम नहीं है। फिर भी वो पीछे हटने से इनकार करता है और लड़ते हुए एक सच्चे वॉरियर की तरह मरना चाहता है। थेमिस्टोक्लीस अपने सब सोल्जर्स को ऑफर भी देता है कि उनके पास ऑप्शन है, अगर वो पीछे हटना चाहते हैं तो हट सकते हैं, क्योंकि वो जानता है कि आज के दिन क्या होने वाला है और वो नहीं चाहता है कि कोई भी उसके लिए अपनी जान से हाथ धोए। मगर वो सब भी तो ग्रीक वॉरियर्स हैं, इसलिए उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटता है। सब थेमिस्टोक्लीस के साथ इस वॉर में खड़े अपनी जान देने को तैयार होते हैं ताकि वो ग्रीक्स का नाम रोशन कर सकें। आर्टिमीजिया अपनी तमाम आर्मी के साथ इन पे अटैक करने पहुंच जाती है। उसकी लाखों की आर्मी का सामना करने के लिए ग्रीक्स के बस कुछ हजार लोग जाते हैं, लेकिन अब भी सरेंडर के लिए तैयार नहीं होते हैं। जगजीस दूर से खड़ा इन सबको देख रहा होता है। मूवी की सबसे इंटरेस्टिंग और सस्पिशियस फाइट स्टार्ट हो जाती है जब ग्रीक्स की शिप पर्शियन शिप से टकराती है, तो ग्रीक्स उनकी शिप पे चढ़ के फाइट स्टार्ट कर देते हैं। फाइट तो वैसे ही होती है, फर्क बस इतना है कि इस बार ग्रीक्स का खून ज्यादा बह रहा होता है। सब बहुत ही पैशन के साथ लड़ रहे होते हैं। आर्टिमीजिया भी आगे बढ़ के फाइट स्टार्ट कर देती है। दोनों हाथों में स्वॉर्ड पकड़े वो ग्रीक्स को मारते आगे बढ़ती है। यहाँ थेमिस्टोक्लीस अचानक अपना हॉर्स निकालता है और शिप्स के ऊपर हॉर्स पे आगे बढ़ते पर्शियंस को मारना शुरू हो जाता है। मगर आर्टिमीजिया उसका ये प्लान ज्यादा टाइम तक चलने नहीं देती है और थेमिस्टोक्लीस के हॉर्स को मार गिराती है। अब होता है आमना सामना आर्टिमीजिया और थेमिस्टोक्लीस का। दोनों के बीच एक बहुत ही कमाल फाइट शुरू होती है। आर्टिमीजिया की टू स्वॉर्ड्स का थेमिस्टोक्लीस अपनी एक ही स्वॉर्ड से मुकाबला करता है। दोनों ही एक दूसरे को टफ कॉम्पिटिशन देने में लगे होते हैं और फिर एक मोमेंट आता है जहाँ दोनों ही एक दूसरे के गले पे स्वॉर्ड रखे खड़े होते हैं। बस थोड़े से पुश से दोनों एक दूसरे का गला काट सकते हैं, मगर इससे पहले कि मजीद कुछ होता, आर्टिमीजिया देखती है कि उसकी शिप्स को चारों तरफ से ग्रीक्स की शिप ने घेर लिया है। यहाँ आता है मूवी में ट्विस्ट, जहाँ हम देखते हैं कि सब ग्रीक्स थेमिस्टोक्लीस की मदद के लिए तैयार हो गए थे। गॉर्गो भी थेमिस्टोक्लीस को हाँ बोल चुकी थी। वो सब बड़ी बड़ी वुडन शिप्स तैयार करके पर्शियंस के साथ फाइट के लिए आ गए हैं। ये सब इनका प्लान था कि वो पर्शियंस को इस गुमान में रहने दे कि वो जीत गए और फिर उन पे अटैक करके उन्हें हरा दे। यही गॉर्गो अपनी स्टोरी खत्म करके प्रेजेंट में आके ल्यूनिडिस के स्वॉर्ड पकड़े फाइट के लिए तैयार हो जाती है। थेमिस्टोक्लीस आर्टिमीजिया को नीचे गिरा के सरेंडर का मौका देता है, मगर आर्टिमीजिया के हार ना मानने पर वो उसे मार गिराता है। उतनी देर में गॉर्गो थेमिस्टोक्लीस को ज्वाइन कर लेती है और सब ग्रीक्स मिलके पर्शियंस को हराने में लग जाते हैं ताकि वो एक और हिस्ट्री सेट कर सके कि ग्रीक्स को हराना बस गॉड के बस की बात है। ये काम कोई भी ह्यूमन नहीं कर सकता है, चाहे वो गॉड किंग भी क्यों ना बन जाए। सक्सेस ऊपर से खड़ा अपनी ये हार देख रहा होता है। ग्रीक्स एक इंटेंस फाइट करते अपनी जीत की बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। यही मूवी की एक कमाल एंडिंग हो जाती है।